तो कदम दूर थे। सर ये सैंपल्स हैं, इसकी फिनिशिंग भी बहुत मेहनत से की है लड़कियों ने, ये देखिए। मुझे उम्मीद है कि आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आई एम सॉरी, मैं एक दो मुलाकातों बाद ही आपसे काफी पर्सनल हो रहा हूँ। आप माइंड ना करें तो आपसे एक बार फिर पूछ सकता हूँ कि आप? सर शायद मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन करवाया था। बहरहाल मैं मिस नाया कपूर। दैट्स ग्रेट। मैं भी शादीशुदा नहीं हूँ, मतलब हम दोनों शादीशुदा नहीं है। मुझे लगता है आप अपने सेंसेस में नहीं है। हाँ एक्चुअली अल्लाह ताला ने कुछ खास चेहरे ऐसे बनाए हैं कि उनके बाद वैसे मॉडल बनाने बंद कर दिए, तो जब भी उन चेहरों में से कोई भी सैंपल सामने आता है तो अपनी सेंसेस में रहता नहीं है। सर मुझे लगता है आपको इन सैंपल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे चलना चाहिए। देखिए प्लीज प्लीज आई एम सॉरी, अगर आपने मेरी बातों को माइंड किया आई एम सॉरी, प्लीज बैठिए, अब काम की बात करते हैं प्लीज। एक्सक्यूज मी आप? जी मामा। लेकिन क्यों? अच्छा मामा प्लीज आप गुस्सा ना करें, आपकी तबीयत फिर खराब हो जाएगी, और ये नर्सेज आपकी देखभाल के लिए ही तो हैं, आपके इलाज के लिए। अच्छा मामा प्लीज अभी कुछ ना करें, मुझे घर आने दें, मैं फिर कोई ना कोई हल निकालता हूँ, ठीक है? आप फिलहाल। हेलो सर, आपकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है? हाँ उन्हें दो हार्ट अटैक हो चुके हैं, और सेकंड वाला मेरी वजह से हुआ था। अब यही डर है कि कहीं लास्ट वाला भी मेरी वजह से ना हो जाए। सर आपकी वजह से क्यों? एक्चुअली उन्हें मेरी शादी की बहुत फिक्र रहती है, कहती हैं कि छोटी बहन दो बच्चों की माँ बन चुकी है, लेकिन मैं अब तक बैचलर। खैर ये तो हर माँ की आरज़ू होती है, लेकिन सर अगर आपकी अम्मी आपकी शादी के लिए इतनी सीरियस हैं तो आपको शादी कर लेनी चाहिए। एक्चुअली अभी तक कोई लड़की पसंद नहीं आई, आई मीन कोई लड़की पसंद नहीं आई थी। सर मैं चलती हूँ, आप ये सैंपल्स देख लीजिए, अगर कोई शिकायत हो तो मुझे प्लीज जरूर बता दीजिएगा। और प्लीज मुझे रोकने के लिए इंसिस्ट मत कीजिएगा। बीबी जी अब तुम चीज हमारे दरमियान नहीं रही, चली गई वो हमेशा हमेशा के लिए चली गई। कौन चली गई है? तू खुद ही अंदर चल के देख ले। ये क्या कर लिया इसने? खुदकुशी कर ली इसने, आजाद कर दिया खुद को इस बेरहम जिंदगी से। ए लड़के ऑटो, वो चीपा वाले आ गए हैं, वो लेके जाएंगे इसको और इसके कफन दफन का खुद ही बंदोबस्त कर देंगे। मन करो ये रोना धोना। आओ भाई आओ, आ जाओ। चले भाई चचा जा, आराम से उठा करके। बिस्मिल्लाह, चलो जी चले भाई ले आए। चलो भाई चलो चलो आ जाओ।
न बोले तुम न मैंने कुछ कहा है? क्या बात है, खूब आयाशियां हो रही है यहाँ पे, है ना? खूब टीवी देखे जा रहे हैं, हंसी मजाक हो रहे हैं, हाथों पे हाथ थक के जा रहे हैं कि किस खुशी में इतनी खुशियां मनाई जा रही हैं, और ये पंखे चल रहे हैं और लाइटें जल रही हैं, यहाँ का बिल क्या तुम्हारे माँ बाप ने भरना है आके? बिल्कुल ठीक किया तुम्हारे माँ बाप ने जो तुम लोगों को यहाँ पे भेज दिया, क्योंकि सारी सारी रात तुम लोग अपने घरों में भी बैठ के ना टीवी पे फिल्में देखा करती थी, ड्रामे देखा करती थी, इसीलिए तो मुंह काले करवा के तुम लोग सब यहाँ पे आ गई। अगर आप अपने होश में है ना तो आप ये बात देख सकती हैं कि यहाँ पे कोई भी टीवी नहीं देख रहा है, ये सब लोग गम में हैं। आज हमारे दारुल अमान से एक लाश उठाई गई है, ये सब लोग इसी गम में हैं कि एक दिन इसी तरह इन लोगों की भी लाश लवारिसों की तरह उठाई जाएगी। ये सब लोग तकलीफ में हैं और आप कह रही हैं कि ये लोग टीवी देख रहे हैं। अगर यही ताने इन लोगों को सुनने हैं ना यहाँ, इससे बेहतर इनके लिए बाहर की दुनिया है। तो आप चली जाए ना बाहर, बाहर की दुनिया है, हटो। बदनसीबों के लिए तो ना बाहर की दुनिया अच्छी और ना अंदर की। मेरी बदनसीबी ये है कि मेरे पैदा होते ही मेरी माँ मर गई और बाप ने दूसरी शादी कर ली, और बदनसीबी ये है कि सौतेली माँ ने मुझे घर में बंद कर दिया, मेरी पढ़ाई छुड़वा दी, मुझसे दिन रात काम करवाया। 13वीं साल में उतरी थी कि सबने मिलकर मुझे शादी की गद्दी पे बिठाल दिया। मेरे मना करने पर मुझे बहुत मारा गया, माँ ने अलग, भाई ने अलग, बाप ने अलग, और मौलवी को सुनाया कि किस दीन ने तुम्हें इजाजत दी कि किसी की इजाजत के बगैर उसका निकाह करवाने की, तो उसने भी बगैर कुछ सोचे समझे मुझे बहुत मारा और मैं बेहोश हो गई। अगले दिन जब आँख खुली ससुराल में, तो अपनी बाप का उम्र का शौहर देखकर मैंने बगैर कुछ सोचे समझे छत से छलांग लगा ली, और जब आँख खुली तो पुलिस वालों और अखबार वालों के बीच में अपने आप को देखकर बहुत दुख हुआ। मेरी टांगे, मेरे हाथ, सब कुछ टूट चुके थे, मैं बेघर हो चुकी थी। बदनसीबों के लिए तो ना अंदर की दुनिया अच्छी है और ना बाहर की दुनिया। बीबी जी, रोजीना कैसी हो? हाँ ठीक हूँ। तुम अकेले क्यों बैठी रहती हो? सब लोगों में घुल मिल के रहा करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। भीड़ अच्छी नहीं लगती। क्यों नहीं अच्छी लगती? शायद भीड़ से डर लगता है। तुम्हें भीड़ से नहीं, उन भीड़ियों से डर लगता है जिनके बीच से तुम होकर आई हो। यहाँ पर हम सब लोग एक जैसे ही तो हैं। बातें किया करो, खुश रहा करो। कोशिश करूंगी। चोट कैसी है? दर्द तो नहीं है ना? इन चोटों में तकलीफ नहीं होती है, तकलीफ तो उनसे होती है जो मेरे अपनों ने दी है, जो मेरी रूह पर लगाई गई है। क्या आपको भी किसी ने चोट दी है? नहीं तो फिर ये जख्म? हाँ ये बस वैसे ही। तुम परेशान मत हो, और यहाँ पर सब महफूज, तुम भी। क्यों दिन में इसको ख्वाब दिखा रही हो बीबी? और इस जात कहीं महफूज नहीं होती, कहीं पर भी नहीं। सदा माफ करना बीबी, क्या करूं, जिंदगी में सिर्फ तलखियां तो देखी हैं, इसलिए मुंह से सिर्फ तलखी निकलता है। तलखियों में और तलखी डालोगी तो मुंह से शहद नहीं टपकेगा।
थोड़ी हिम्मत हौसले की भी चीनी मिलाओ, कभी तो शीरीनी भी टपके इस मुंह से। मुझसे ज्यादा हौसले वाला कौन देखा तूने यहाँ पर? क्यों, तुझे कभी मैं नजर नहीं आई इस दारुल अमान में? चापलूसी करने वाले लोग कभी बहादुर नहीं होते। सदफ, बस फिर तुम लोग आपस में लड़ने लगे हो। माफ करना बीबी, क्या करें, तुम्हारे से पहले कोई था नहीं ना हमारे भड्डे सुलझाने के लिए। तुम आ गई हो तो नहीं लड़ा करेंगे। बात इस वक्त रोजीना की हो, ये भी हम लोगों में से ही एक है। देखो मैं सारा दिन मार्केटिंग की वजह से बाहर रहती हूं, तुम लोगों को इसका ख्याल रखना है। बीबी जी तुम बिल्कुल अब बेफिक्र होके जा, रोजीना अब तेरी नहीं मेरी परेशानी। परेशानी नहीं, बहन है अपनी। अरे जिस पर हमारी बीबी मेहरबान हो उस पर सदफ तो अपनी जान भी कुर्बान कर सकती है। तुम अपनी जान को अपने लिए संभाल के रखो। दुनिया ने हम लोगों की राहों में बहुत से कांटे बिछाए, अब हमें इन कांटों के आगे अपने लिए फूल बिछाने। क्या मुझसे शादी करेंगे? ये आप क्या कह रहे हैं? देखिए मैं सच कह रहा हूँ, मुझे पहली नजर में आप पसंद आ गई थी इसीलिए आपको प्रपोज कर रहा हूँ। प्लीज जवाब दीजिए। ये शायद हमारी दूसरी या तीसरी मुलाकात ही हो। नहीं चौथी मुलाकात है, एक मुलाकात सड़क पे भी हुई थी। देखिए इन चार मुलाकातों में ऐसा लग रहा है जैसे हमने सदियां साथ गुजारी हूँ। देखिए मेरी अपनी भी सोच है, पसंद ना पसंद है, जरूरी तो नहीं मैं आपकी तरह सोचने लगूं। तो मेरी तरह मत सोचिए, मैं आपको किसी चीज के लिए मजबूर नहीं कर रहा, बस अपनी फीलिंग्स आपको बता रहा हूँ। आप गलत कर रहे हैं, लड़कियों से बात करने का ये तरीका नहीं होता। हाँ लेकिन मुझे सिर्फ यही तरीका आता है अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का। अब मैं किसकी कसम खा के यकीन दिलाऊं? देखिए मुझे अल्लाह की कसम जो मैं बातें आपसे कर रहा हूँ ये मैंने आज से पहले कभी किसी और लड़की से नहीं की। आप प्लीज मेरे सैंपल्स मंगवाइए, मुझे लगता है आपको उन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं मजीद अपना वक्त जाया नहीं करना। देखिए प्लीज 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 आप नाराज ना हो। आई एम सॉरी आप बैठिए, मैं बिजनेस की बात करूंगा। ये आप प्लीज। हाँ फराज सब ठीक है? हाँ जो मैंने इसीलिए तुम्हें फोन किया कि अम्मी ने यहाँ पे दोनों नर्सों की छुट्टी करवा दी है, अब उनकी देखभाल के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं है। मुझे यकीन था वो ऐसे ही करेंगे। अब तुम ही बताओ क्या करूँ मैं? भाई तुम तो शौक से तुम्हारे रहने का रिकॉर्ड कायम करो। लेकिन अम्मी के पास 24 घंटे किसी एक ऐसी लड़की की जरूरत है जो अम्मी की खिदमत करे। तुम ऐसा करो किसी एक ऐसी लड़की का इंतजाम करो जो तनख्वाह ले। लेकिन अम्मी के पास सारा वक्त है ताकि मैं बेफिक्र रहूँ। प्लीज फरा मैं 5 मिनट में कॉल बैक करता हूँ। हाँ 5 मिनट में कर रहा हूँ, बाय। ठीक है। सुनिए आपकी दारुल अमान में कोई सोर्स ऑफ इनकम है? क्यों? सॉरी इस बात का इस मीटिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अगर आप माइंड ना करें तो बता सकती हैं। जी मेरी सोर्स ऑफ इनकम है, मैं इस वक्त ऑन ड्यूटी ही हूँ। सैलरी कितनी है आपकी? 5,000। 5,000 में आज के दौर में ना इंसान गुजारा कर सकता है ना अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकता है। 5,000 तो आजकल स्कूल के बच्चों की पॉकेट में नहीं होती है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, यू गाइस कैन कैरी ऑन, आई विल कम बैक। फैसल आ जाओ, आओ ना यार, आओ कम ऑन। मिस नायाब, ये मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड फैसल, और फैसल ये हैं मिस नायाब इकबाल। जी अस्सलाम वालेकुम। हाय मिस नायाब, कहीं ये वही तो नहीं जिनसे तुझे पहली नजर में प्यार हो गया था? आप शादीशुदा हैं? यार फैसल तुम भी कमाल करते हो, मैंने अभी इन्हें मिस नायाब इकबाल कहकर इंट्रोड्यूस करवाया है। एमबीए होने के बावजूद तुम्हें मिस और मिसेस का फर्क नहीं पता? एक्चुअली जॉब में कुछ और सोच रहा था। आई एम सॉरी भाभी।
भाभी आई एम रियली वेरी सॉरी मिस नायाब, एक्चुअली मेरा ये दोस्त बहुत ही नालायक है, इसको आज तक कोई लड़की पसंद नहीं आई और पहली दफा इसको आप पसंद आ गई हैं, और मैंने सोचा हुआ था जब भी इसको कोई लड़की पसंद आई तो मैं उसको फौरन भाभी कह दूंगा, क्योंकि इसने हमें इस लफ्ज के लिए तरसा दिया। नायाब, नायाब, ये तो बेहोश हो गई। ये अचानक ही बेहोश हो गई, प्लीज देखकर बताइए ना हुआ क्या है। ओके लेट मी चेक फर्स्ट हर। बर्फ के क्यूब्स मिल सकते हैं? मेरे रूम में चले ना। अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? जी अब बेहतर है। क्या पहले भी कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? नहीं पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन 4-5 महीने पहले से ऐसा हो रहा है। अच्छा ये बताएं कि बेहोश होने से पहले आप कैसा फील करती हैं? आई मीन पेन वगैरह? नहीं बेहोशी के वक्त तो कुछ फील नहीं होता, लेकिन जब मैं होश में आती हूँ तो ऐसा लगता है सारा बदन दुख रहा है। आपको कोई गम गुस्सा या कोई और परेशानी जिससे आप? जी नहीं ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिसे सोचकर मैं अपने होश खो बैठूं। ये मेडिसिन ला दे वो आप। मुझे रूम में लेकर आओ। और खाने में फ्रूट मिल्क और अंडे और प्रोटीन का ख्याल रखें। वीकनेस और बेख्वाबी की वजह से ये बार बार बेहोश हो जाती हैं, आप इनका ख्याल रखा करें। ओके आई हैव टू गो। आपको होश आ गया? मैं तो डर गया था। अच्छा एक बात के लिए आपसे माजरत करनी थी, मुझे आपको वहां से यहाँ उठाकर लेकर आना पड़ा। आप मुझे यहाँ? हाँ देखिए मैं इसीलिए आपको खुद बताकर आपसे माफी मांग रहा हूँ, रियली सॉरी, मजबूरी थी आपको यहाँ लेकर आना था। नायाब ये तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? पहले डॉक्टर सलमान और अब ये सो? क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। मेरा देखिए देखिए आप इस तरह नहीं जा सकती प्लीज। आपने सुना था डॉक्टर ने क्या कहा कि आपको वीकनेस हुई हुई है, अभी फैसल मेडिसिन्स और कुछ जूसेस वगैरह लेकर आ रहे हैं फिर आप चली जाएगा।
देखिए डॉक्टर्स तो कुछ भी कहते हैं कि जूसेस फ्रूट्स इन सब लग्जरीज के हमें आ जाते हैं। और जहाँ तक मेडिसिन की बात है तो जब मैं ऑर्डर लेने आऊँगी तब ले रहूँगी। थैंक यू सो मच जो कुछ आपने किया उसके लिए। मैम अब एक बात और प्लीज़, एक मिनट। उस वक्त मैं आपसे दारुल मान से मिलने वाली आपकी सैलरी के बारे में पूछा था। एक्चुअली मैं आपको एक जॉब ऑफर करना चाहता हूँ, उसका ताल्लुक इस ऑफिस से नहीं है बल्कि मेरे घर से है, और आपको मुंह मांगी सैलरी मिलेगी अगर आप हामी भरे तो। किस नौयत की जॉब आप ऑफर कर रहे हैं? ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपने मेरे मामा को वक्त पर मेडिसिन जूस और खाना वगैरह देना है, और तन्हाई में उनको कंपनी देनी है, वहां आपको अलग कमरा भी मिल जाएगा। मैं सोच कर बता दूंगी आपको। मेरा बैग यहां पे है। ये थैंक यू। कहाँ गई वो? चली गई। और ये जो मैं फ्रूट जूसेस और मेडिसिन लेकर आया हूँ इसका क्या करूँ? तुम एक नंबर के पागल हो। अंदर आते ही तुम्हें उससे ये पूछने की क्या जरूरत थी कि आपकी शादी हुई या कि नहीं? मैं पूछता हूँ किसी भी लड़की से पहली मुलाकात में अपनी तरफ से रिश्ते बनाकर भाभी बुलाने की क्या जरूरत थी यार? अबे यार मैंने उसकी हाथ की पुष्ट पे निशान देखा तो मुझे शक हुआ कहीं ये वही लड़की तो नहीं जिससे तेरी शादी करा दी गई थी और जिसका हाथ तूने सिगरेट से जला दिया। बस अपना शक दूर करने के लिए इसीलिए पूछ लिया। नहीं नहीं यार, दुनिया में बिछड़े हुए लोग ऐसे मिलने लग जाएं तो मिरेकल्स ना हो जाएं। और वैसे भी जिसे मेरा निकाह हुआ था वो इतनी एडवांस नहीं थी, वो तो जाहिलों की तरह घूंघट डाले मेरे साथ डोलती हुई चल रही थी। खैर छोड़, ये हम किस बहस में पड़ गए। वैसे ये लड़की बहुत खुदसरनी, हम इसके लिए क्या कुछ नहीं कर रहे और इसको इतना एहसास नहीं, कम से कम अपनी मेडिसिन ही ले जाती। वो खुद सर नहीं, खुददार है। पिछले कुछ मुलाकातों में इतना तो जान चुका हूं मैं उसे। अरे बीबी कहाँ तुमने इतनी देर लगा दी थी, तब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हें पता है कितनी आदत हो गई है तुम्हारी, तुम्हारे बगैर दिल ही नहीं लगता। क्या हुआ बीबी, तुम इतनी चुप क्यों हो? कोई मसला हो गया है क्या? अरे तुम तो दूसरों को हिम्मत दिलाती थी, आज खुद क्यों चुप बैठी हुई हो? आज मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाती हूँ। तुमने तो अपनी कहानी सुनाकर दिल हल्का कर लिया था, आज मैं सुनाती हूँ।
What? दारुल अमान? एक लड़की दारुल अमान से तेरे पास बिजनेस प्रपोजल लेकर आई और तू उससे इतना इंस्पायर हुआ कि तूने उसे प्रपोज कर दिया। हाँ तो उसमें बुराई क्या? हम एक प्रैक्टिकल दुनिया में रहे, हम शादी सिर्फ अपने लिए नहीं करते, यहाँ पर हमें रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने अजीजों को, सबको जवाब देना होता है। दारुल अमान में रहने वाली लड़की के ना कैरेक्टर का पता होता है और ना ही पास्ट का। बस कर यार, मैं इन फजूल बातों को नहीं मानता। तुम ये बताओ, वो तुम्हें कहीं से भी कोई उस टाइप की लड़की लग रही थी? अपनी बातचीत से, रख रखाव से या किसी भी एंगल से? तुम तो इतने नैरो माइंडेड नहीं थे, क्या हो गया तुम्हें, तुम भी दुनियावी बातें करने लगे हो? देख, मैं तुझे हर्ट करना नहीं चाहता, मैं तेरा वेल विशर हूं, लेकिन जो भी कदम उठाना सोच समझ के उठा। मेरी कहानी सुन के तुम उदास हो गई ना? मैं आज तक कभी अपने लिए इतना उदास नहीं हुई बीबी जितना आज तुम्हारी बात सुनकर हो गई। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, बहुत एहतराम करती हूँ मैं तुम्हारा। तुम्हारा दुख बर्दाश्त नहीं हुआ मुझसे, मैं जानती हूँ तुम्हें मुझसे कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा चलो, ये सारी उदासी की बातें छोड़ो और मेरी मानो तो तुम डॉक्टर सलमान से शादी कर लो। मैं भी शादी नहीं कर सकती, तुम बता चुकी हो मैं शादी शुरू। मैं उस वक्त तक शादी नहीं कर सकती जब तक मेरा शौहर मेरे सामने आके मुझे तलाक न दे। तुम तो जानती हो ना, मर्द शादीशुदा होकर भी शादियां कर सकता है मगर औरत नहीं कर सकती। क्या मतलब? अगर तुम्हारा भगोड़ा शोहर आया ही नहीं या मरखब गया और तुम्हें पता नहीं चला तो क्या तुम शादी नहीं करोगी? चाहे तुम्हें डॉक्टर सलमान या सोप साहब जैसे मोहब्बत करने वाले लोग क्यों ना मिल जाएं? शोहर के 4 साल तक लापता होने की सूरत में शादी खुद ब खुद टूट जाती है, तब मजहबी तौर पर भी मैं आजाद हूँ। क्या बीबी, तुम 4 साल तक शादी नहीं कर सकती? खुदाया, बीबी तुम्हारे साथ तो किस्मत ने ये बहुत बुरा किया है। तुम फिक्र मत करो, ये 4 साल भी गुजर जाएंगे, मगर मुझसे तो 2 लोग शादी करना चाहते हैं ना, फिर तुमने सिर्फ डॉक्टर सलमान का क्यों कहा? देखो बीबी, जोब साहब चाहे तुमसे कितनी मोहब्बत क्यों ना कर ले, चाहे वो तुम्हें आसमान से उतरी भी परी क्यों ना समझ ले, अगर वो एक खानदानी आदमी है और तुम्हारे नाम के साथ ये दारुल अमान का नाम जुड़ चुका है और ये जिंदगी भर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, उसकी माँ उसके घर वाले कभी भी तुम्हें वो इज्जत नहीं देंगे जो एक खानदानी बहू को मिलती है। और डॉक्टर सलमान, तुम्हारी बातें सुन के मुझे लगता है कि वो हीरा आदमी है, दिल का साफ, लोगों की मदद करने वाला, और वैसे भी वो तो उम्र में ही बड़े हैं ना, हर बड़ी उम्र के लोग अपने फैसलों पे पुख्ता रहते हैं। तुमने तो 4 साल बाद ही शादी करनी है ना, मैं तो कहती हूँ कि तुम जोब साहब के घर नौकरी कर लो। अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या तुम इतनी अच्छी नौकरी के लिए हाँ कर देती? हाँ मैं कर लेती, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल करती हूँ, हाँ मैं नहीं चाहती कि तुम ज्यादा दिन इस दारुल अमान में रहो, ये बदनसीबों की जगह है, हमें यहाँ पे रहने दो। और तुम कल ही जोब साहब के घर जाओगी और उनके घर में नौकरी करना शुरू कर दोगी, कि मेरा हुक्म है तुम्हारे लिए।
सगी लीजिए। ये किस लिए? सर डॉक्टर की फीस और मेडिसिन का बिल अदा किया था आपने। इतनी सी बात आप भूल नहीं सकते। किसी का एहसान इतनी सी बात नहीं होती। और फिर ये पैसा, इसी का तो झगड़ा है दुनिया में। इंसान अगर पैसे की सूरत में किसी का एहसान ले ले तो सारी जिंदगी उसे उसके आगे झुकना पड़ता है। और मेरे पापा ने हमेशा मुझे सर ऊंचा करके चलना सिखाया। खैर अच्छा हुआ आज आपने मुझे ऑर्डर्स दे दिए। मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द आपके पास ऑर्डर्स पहुंच जाएं। अब मैं चलती हूँ। नहीं, जब तक ऑर्डर कंप्लीट नहीं होगा आप मेरे ऑफिस नहीं आएंगे। सर मैं काम की वजह से आपके पास आती हूँ और मुझे लगता है हम दोनों का वक्त बहुत कीमती है, इसे हमें जाया नहीं करना चाहिए। एक्चुअली मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, तो आपको ड्रॉप कर दूँ? थैंक यू, मैं चली जाऊंगी। आप अपने रास्ते जाइए, मैं अपने रास्ते। आई इंसिस्ट। देखिए मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, तो मेरे साथ जाने में कोई बुराई नहीं है। और मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, कल आप मुझे आजमा चुकी हैं। वैसे मैं देखें, चले मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। मिनट, जस्ट वन सेकेंड। आइए प्लीज। मतलब छोड़े साहब, काम की बात करें कि क्यों ढूंढ रहे थे मुझे। वो काम भाई, क्या तूने उलझा दिया मुझे? अरे मैंने कहा उलझाया साहब, आप तो पहले से उलझे हुए हैं। सुन, काम को दफा कर, ये बता के ये लड़की कब तक ठीक हो जाएगी? समझी नहीं, कौन सी लड़की साहब? ये यही अपने रोजीना। रोजीना, इसे आपको इसकी फिक्र कब से हो गई साहब? क्या बकवास करती है तू? भाई मैं दारुल अमान का इंचार्ज हूँ, मुझे फिक्र नहीं होगी तो और कैसे होगी? अजीब बात करती है तू। काम की बात बता साहब, यहाँ वहाँ क्यों छलांग लगा रहे हो? ईमान से तू मार खाएगी सुल्ताना किसी वक्त मेरे हाथ से। मैं ये कह रहा था कि इसको किसी वक्त मेरे दफ्तर में ले आ। नहीं नहीं सेब, इस बेचारी के तो पहले से ही हाथ पाथ टूटे हुए, इसको बुला के क्या करेंगे? अरे मुझे इसके टूटे हुए हाथ पैरों से क्या लेना देना, मैं तो बस वो पूछताछ के लिए बुला रहा हूँ। पूछगिछ तो इसकी कब से हो गई? अदालत से इस यहाँ भिजवाया था, अब आप कौन सी तफ्तीश करेंगे इसकी? सुल्ताना तू कुछ ज्यादा सवाल जवाब नहीं करने लगी इन दिनों। मैं तो सादगी से आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि ये बेचारी जो है ये पहले भाग के आई अपने घर से, छत से छलांग लगा ली थी इसने,
बेचारी की देखो ना टांग वांग टूट गई। अरे छत से तो छलांग लगाई है किसी भूत को देख के, जब मुझ जैसी शक्ल को देखेगी ना, ये प्यारी शक्ल को, तो खुश हो जाएगी मान से। ये जो तू देख रही है ना, ये चंद बाल सफेद, अभी ये तो बचपन से हैं। ये कहाँ, हम इतने कोई बुड्ढे खूसट थोड़ी हैं। देव, एक बात तो बता कि अपने को क्या मिलेगा? क्या तुझे पहले कभी नहीं मिला? कौन सा इनाम विनाम दे दिया? उनके मुंह में इतना सा जीरा दे दिया तो इनाम हो गया क्या? देख भाई सुल्ताना, तेरा ये जो पेट का दोजख है ना, ये मुझे भड़का हुआ नजर नहीं आ रहा। क्या किया जाए सेब, जमाने ऐसे चल रहे, आजकल के महंगाई के दौर में अपन को भी तो कुछ मिलना चाहिए ना, क्या समझे? अरे इनायत कर देंगे भाई, बहुत कर देंगे, इनामो इकराम से तुझे लाद देंगे। बस तू इसे हमारे दफ्तर ले। अच्छा ठीक है सेब, अभी मेरे को बहुत से काम है, इतने ढेर सारे कपड़े रखे हुए मेरे धुलने वाले, लॉन्ड्री में दे आऊं जरा, चश्का वश्का तैयारी व्यारी, फिर मैं लेकर के आती हूँ आपके हजूर पेश हो जाऊंगी। सलाम। दो कदम